सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। अम्बेडकर नगर में आयोजित जागरण पर पहुंचे सांसद रामस्वरूप शर्मा, प्रदेश वासियों को गुरु रविदास जयंती समारोह की दी बधाई। लोहाखरी पंचायत वासियों ने संघर्ष समिति के माध्यम से उठाई मांग, कई वर्षों से लंबित प्रदर्शन का कार्य किया जाए पूरा। मनाली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई बस स्टैंड की सफाई, अप्रैल में डिस्पोजल बंद करने का नगर परिषद ले सकती है फैसला। और शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया समापन, रेंजर क्लब मंडी ने चैंपियनशिप पर जमाया कब्जा। पर्यटन नगरी मनाली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद मनाली और इंटरनेशनल प्रेस क्लब सहित विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने मनाली बस स्टैंड की सफाई की। वहीं एसडीएम ज्योति राणा ने लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया। मनाली एसडीएम ज्योति राणा और नगर परिषद के ब्रांड एम्बेसडर शिवराम राणा के नेतृत्व में आयोजित इस स्वच्छता अभियान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मनाली एसडीएम ज्योति राणा ने कहा कि लोग स्वच्छता को अपनी जीवन शैली बनाएं और आसपास के क्षेत्रों में गंदगी ना फैलाएं, साथ ही अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। सोच बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। बहुत समय से देखने में आ रहा था कि मनाली बस स्टैंड जो कि यहाँ पे सबसे पहला एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सफाई की ज़रूरत थी। तो आज यहाँ पर हमने एक स्पेशल अभियान चलाया जिसमें एसडीएम ऑफिस और नगर पालिका की कोलैबोरेशन में यहाँ के बहुत से लोकल लोगों ने हमारा साथ दिया, प्रेस के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया और आज पूरा बस स्टैंड को ऐसा लग रहा है कि कोई नया बस स्टैंड हो। और लोगों से मेरी यही अनुरोध है कि इसे आगे भी ऐसा ही साफ रखें, साथ ही जो भी यहाँ पर गंदगी डालता पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर हम सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर गलत गंदगी फैलाता पाया गया उसकी कार्रवाई भी होगी और साथ ही हम उसकी यहाँ पर लोकल टीवी के चैनल के ऊपर उसकी फ़ोटो भी लगाएंगे कि ये आदमी यहाँ पर कचरा डाल रहा है। क्या हमारे स्वच्छ भारत अभियान तो चल ही रहा है, साथ ही स्वच्छता रखना एक सोच भी है। ये सोच हमें सभी नागरिकों में लानी है कि हमें स्वच्छता अपने जीवन की एक शैली बनानी पड़ेगी, जिसे वो जितना अच्छा होगा कि वॉलंटियरली करे, अदरवाइज हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्षा शबनम तनवर ने सभी मनाली वासियों से शहर को साफ सुथरा रखने की बात कही और अप्रैल महीने में डिस्पोजल पर पाबंदी लगाने की भी बात कही। तो इसके लिए हमने किया है कि पूरे माल में हमने डिस्पोजल जो है बिल्कुल बैन कर दिया है। 31 अप्रैल हमारी लास्ट डेट है और 1 मई को जो भी है वो चलान हो जाएगा। हर शॉप्स के आगे एक डस्टबिन जो कंपलसरी कर दिया है कि रखेंगे, उस शॉप के आगे कूड़ा पाया जाता है तो हम उन्हें चलान कर देंगे, कड़ी कार्रवाई ली जाएगी उस मकान मालिक के या शॉप्स मालिक के साथ। और पूरे वार्ड से जो हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं, अगर किसी भी घर के आगे कूड़ा मिलता है तो मालिक जिम्मेवार होगा उस कूड़े का। और हमने जो है हर किराएदार से अगर वो कलेक्शन नहीं दे रहा है हमें तो हम मकान मालिक को फाइन डालेंगे ताकि वो जो है उससे कूड़ा कूड़े का जो रिसिप्ट ले सके। और 20 रुपीज़ है उसका, कोई ज़्यादा तो है नहीं जो नहीं करेगा। तो हर आदमी अगर अवेयर हो जाता है सफाई के लिए तो मनाली में कभी भी गंदगी कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आपको बता दें कि मनाली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद मनाली और इंटरनेशनल प्रेस क्लब सहित विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने मनाली बस अड्डा की सफाई की। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लोहाखरी को पक्की सड़क सुविधा न मिलने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक संघर्ष समिति का भी गठन किया है, जिसके तहत ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि सड़क के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम पंचायत लोहाखरी ग्रामीणों को पक्की सड़क सुविधा न मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के जोनल प्रभारी ठाकुर शेर सिंह ने बताया कि गुरकोठा से कपाही सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1998 में नाबार्ड के तहत शुरू किया गया था, लेकिन इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत लोहाखरी सुंदरनगर द्वारा एक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है, जिसके तहत समिति अपनी सड़क की मांग को पूरा करवाने के लिए आंदोलन का रास्ता भी अपना सकती है। और इसके बारे में थोड़ा सा
सभी पार्टियों का भेदभाव बुलाते हुए आज इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन के खिलाफ एक आवाज़ उठाई है, तो हम भी इस आवाज़ में उनके साथ हैं तथा प्रशासन से एक मांग है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण किया जाए। आज एक संघर्ष समिति का भी गठन हुआ है जिसमें विषम देव जी जिसके प्रधान बने हैं और लगभग 18 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है, तो कमेटी ने भी ये निर्णय लिया है कि अति शीघ्र इस कार्य को नहीं किया गया तो ग्रामीण जो है एक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं लोहाखरी पंचायत के ग्रामीणों ने के चैनल के माध्यम से जानकारी दी है कि इस सड़क पर सरकार द्वारा अभी तक टायरिंग का कार्य भी नहीं करवाया गया है। ग्रामीणों की माने तो सड़क पक्की ना होने के कारण आसपास के लोगों को प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। और हमारी सबसे पहली समस्या तो ये है जो 15 सालों से लटकी हुई है, ये जो हमारा रोड 15 सालों से निकला है ये नावाड़ में पड़ा था लेकिन आज तक ये कच्चा है और इसके कच्चे होने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो एम्बुलेंस जो है बारिश होने के ऊपर वो कीचड़ की वजह से इसमें आ नहीं पाती और रोगी जो है वो तड़पता रहता है। नंबर दो, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, स्कूल की बसें यहाँ प्राइवेट आती हैं, दूसरी सरकारी भी आती है, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश होने से एकदम वो बसें जो है यहाँ नहीं आती और बच्चे हमारे स्कूल जाने से वंचित रह जाती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या ये है। नंबर तीन, गर्मियों में या ऐसे भी जब ये ड्राई मौसम होता है, बारिश नहीं होती है, तो सारी धूल जो है वो हमारे मकानों के अंदर घुस जाती है, जिससे यहाँ कई आदमी जो बीमार भी पड़ गए हैं, कहीं को खांसी, कहीं को दमा, ये चीज़ें इससे पैदा हो गई या सरकार इसके ऊपर आज तक भी अभी ना समझ चली हुई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोहाखरी पंचायत के साथ एक संघर्ष समिति का गठन किया है जिसके तहत ग्रामीण कई वर्षों से लंबित पड़ी इस सड़क को पक्का करवाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो समिति के माध्यम से कड़ा संघर्ष करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। चैल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुँच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Choose Delhi Public School Bhangrotu, Ner Chowk, a unit of DBS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DBS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DBS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus offices and NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes only. 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि
उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA Traders Lunapani आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे वन पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को वन पीस। MA Traders Lunapani ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम मंडी। मंडी में रोड सेफ्टी क्लब द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान एएसपी अरिजीत सेन ठाकुर ने अध्यक्षता की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि बैठक के दौरान क्लब के सदस्यों के साथ भविष्य के लिए रणनीति तैयार की गई, वहीं योजना बनाई गई कि लोगों को सड़क सुरक्षा और नशे से दूर रखने के लिए भी समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमने रोड सेफ्टी क्लब की एक मीटिंग करवाई पुलिस थाना सदर में, इसमें हमारे चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं वो सारे मौजूद थे और उसमें हम सिविल सोसाइटी और पुलिस विभाग की कोऑर्डिनेशन से एक जो हमारा रजिस्टर्ड सोसाइटी है रोड सेफ्टी क्लब की, उसके हम आगे जो फ्यूचर में हमने अगले कमिंग फाइनेंशियल ईयर में जो प्लान करने हैं और जो प्रोग्राम शुरू करने हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा हम कई चीज़ों पर काम करने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर काम जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, जिसमें लोगों को रोड सेफ्टी और नशे से बचने के लिए कई प्रोग्राम्स किए जाएंगे। हमने ये भी डिसाइड किया इस मीटिंग में कि फ्यूचर में कुछ वॉलंटियर्स को हम एसोसिएट करेंगे और उनको सिखाएंगे ताकि वो मंडी शहर को और सेफ बना सकें और ट्रैफिक के एक्सीडेंट जो बहुत ज़्यादा होते हैं मंडी शहर में क्या हिमाचल प्रदेश में भी, उसमें हम कमी लाने के लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे। बाकी हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एक अपना फंड्स जनरेट करें जिसमें सिविल सोसाइटी जो मंडी शहर की है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने डोनेशन दे ताकि हम आगे प्रोग्राम करते रहें और मंडी शहर को हम और पैसेंजर्स के लिए और यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट और आम जनता के लिए ज़्यादा सहूलियत और सेफ बना सकें। एबीवीपी सुंदरनगर के सदस्यों द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में परिषद के प्रांत मंत्रियों द्वारा छात्रों को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी गई और सोशल मीडिया की एक छात्र के जीवन में आखिर क्या भूमिका रहती है इसको लेकर भी चर्चा की गई। कार्यशाला के बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी ने बताया कि इस कार्यशाला का महत्व सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले परिवर्तन के ऊपर था। इसके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे सीधे विद्यार्थियों में संवाद स्थापित करके छात्रों की समस्याओं को उजागर करना था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। आज सोशल मीडिया आम समाज की एक बुलंद आवाज़ बन चुका है। इसके माध्यम से सीधे जन संवाद कैसे हो और इसका उपयोग राष्ट्र हित में कैसे किया जाए जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दो दिवसीय कार्यशाला 21 और 22 फरवरी को सुंदरनगर के तक्षशिला शिक्षण संस्थान में करने जा रही है, जिसमें आज 21 फरवरी को
सोशल मीडिया की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य केवल मात्र ये है कि आज हमारे समक्ष कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया आज यूथ के समक्ष बहुत बड़ी एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है। उन युवाओं तक विद्यार्थी परिषद अपना विचार, अपनी गतिविधियाँ, जो हर दिन विद्यार्थी परिषद अपनी गतिविधियाँ अपनी इकाई में प्रदेश भर में करती है, उन अधिक से अधिक युवाओं तक अपनी गतिविधियाँ अपने विचार को पहुँचाने का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है। और इस हेतु आज विद्यार्थी परिषद ने प्रत्येक इकाई से एक एक कार्यकर्ता इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और उन किस तरह हम सोशल मीडिया में अधिक से अधिक अच्छे तरीके से अपने विचार को पहुंचा सकते हैं, इसकी कार्यशाला आज यहां पे आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज के समय में सोशल मीडिया हर पल की खबर लोगों तक पहुंचा रहा है और इस पर हर व्यक्ति अपना मत प्रकट कर रहा है। यह दुनिया में सबसे तेज सूचनाएं पहुंचाने वाला साधन बन चुका है, जिसके कारण इसका सकारात्मक उपयोग होना अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर व्यक्ति अपना मत निडर होकर रखता है। यह आज के समय में सबसे सस्ता और हर जगह सुलभ साधन बन चुका है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी मुहिम चलाने की आवश्यकता है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। पटेल मैदान मंडी में आयोजित शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर डीएसपी मंडी ने शिरकत की और खिलाड़ियों को इनाम बांटकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 18 टीमों द्वारा भाग लिया गया था। वहीं रेंजर क्लब मंडी ने यह प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। इसमें रेंजर क्लब मंडी और मंडी की दूसरी ट्रंप एफसी जिन्हें टीबी के फाइनल खेला गया, इसमें रेंजर क्लब मंडी जो है विनर घोषित की गई। इसके अलावा इसमें 18 टीमें थी जिन्होंने भाग लिया स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता में। दो यहां प्रदर्शनी मैच भी करवाए गए हैं। ये 17 तारीख को जो है शुभारम्भ हुआ था इस टूर्नामेंट का, जिसका आज फाइनल खेला गया। शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष लीला विलास ने बताया कि इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाने का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल का मैदान उपलब्ध करवाना है, ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दर्शा सकें। इस प्रतियोगिता में 18 टीमों ने भाग लिया, जिसमें दो जूनियर लेवल की टीमों का भी एक एग्जीबिशन मैच करवाया गया, जो कि मंडी और सुंदरनगर के बीच में हुआ, जिसमें सुंदरनगर की टीम जो है 3-0 से विजयी रही। यह प्रतियोगिता कुल मतलब 17/2016 से 21/2016 तक चली और इसका एक मतलब बहुत ही अच्छा सफल आयोजन। क्या मोटिव रहता है सर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का? डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता करवाने से ऐसा होता है कि मतलब जो गांव में या जो जिनको किसी प्रकार से स्टेट की टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता, तो इन छोटे टूर्नामेंटों में सभी बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा यहाँ निखार सकते हैं और आने वाले समय में वो मंडी या हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पटेल मैदान मंडी में 17 फरवरी को किया गया था, जिसमें 18 टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा का दमखम दिखाया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।